सीएम शिवराज ने उमरिया में वन विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर समीक्षा बैठक की। वनों से रोजगार के अवसर कैसे पैदा हों, इस मुद्दे पर यहां पर चर्चा की गई। वनों के प्रबंधन, वन्य प्राणी की सुरक्षा, टाइगर रिजर्व और बाघों के प्रबंधन पर चर्चा की गई। वन एवं वन्य प्राणी के लिए भविष्य की अनेक योजनाओं पर भी बात की गई। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में वनों से रोजगार पर भी चर्चा इस बैठक में की गई। दिवस वन सफारी, नाइट वन सफारी, हॉट एयर बलून को लेकर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही बफर में सफर, संकल्पना के उद्देश्य, गतिविधियों पर भी चर्चा इस मीटिंग में हुई। वन मंत्री विजय शाह, मंत्री मीना सिंह, मंत्री बिसाहूलाल सिंह, सीएस इकबाल सिंह बैस भी इस दौरान मौजूद रहे। देश के टॉप 5 टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व शामिल हैं। पेंच, कान्हा, सतपुड़ा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इसमें शामिल हैं। वनों से हम रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाएं? वन वन्य प्राणी, लेकिन उनसे इंसान के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन हो, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले आज यहां किए गए हैं। चाहे वो बफर में सफर का मामला हो, अनेकों गतिविधियां, टूरिज्म की शुरू करने का मामला हो, अलग अलग वनोपज के संग्रहण का मामला हो, वनीकरण करके रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का मामला हो, बहुत महत्वपूर्ण फैसले हमने आज यहां किए हैं।